तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिंगापुर की डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए इतनी ज्यादा सस्ती तो आप कैसे बुकिंग करवा सकते हो। 700 रुपए में आपको मिल रही है मलेशिया से सिंगापुर की टिकट, मतलब मैं कोई विश्वास ही नहीं रहा भाई। ये है कोई मेलिंडो एयर और ये जा रही है कुआलालंपुर से सिंगापुर, अराउंड 1 घंटे की फ्लाइट है। और ये जो फ्लाइट टिकट बुकिंग की वेबसाइट मैंने आपको बताई है ये है गूगल फ्लाइट से। आप बेसिकली हर एक साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो और वहां पर आप लोगों को एक परफेक्ट आइटनरी मिल जाती है डेट्स की। अगर मैं आइटनरी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखता हूँ और आगे पीछे कर देता हूँ तो बहुत ज्यादा फिर डिफरेंस आ जाता है। टिकट में भी देख सकते हो आप पूरी की पूरी कॉस्ट कटिंग करी हुई, जैसे कहते हैं ना, मतलब फ्लाइट की टिकट देख रहे हो बस की टिकट लग रही है। हमें जो वीजा अप्लाई करने की कॉस्ट पड़ी थी अराउंड पड़ी थी 3500 पर पर्सन। डायरेक्टली पहले लिंक पे जाके यहाँ से आप सबमिट ऑनलाइन करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो फॉरेन विजिटर। चलो भाई चेकआउट कर दिया, निकलते हैं बाहर, हमारी कैब खड़ी है। आज की हमारी फ्लाइट है एक नई कंट्री की। और टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कौन सी कंट्री है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सिंगापुर। सिंगापुर का फ्लाइट फेयर सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, या शायद मैंने टाइटल में डाल दिया होगा। तो निकलते हैं यहाँ से सिंगापुर की तरफ। फ्लाइट है 11:30 बजे की, अभी टाइम हो रहा है 9:30, अराउंड 2 घंटे बचा है हमारे पास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिंगापुर की डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए इतनी ज़्यादा सस्ती तो आप कैसे बुकिंग करवा सकते हो। चलो जी निकलते हैं। ये था हमारा ब्यूटीफुल सा हॉस्टल, मतलब एकदम ही ग्रीनरी जैसे कहते हैं ना, भरी पड़ी है यहाँ पे। और इन्होंने बोला था अगर आपका अर्ली चेकआउट होगा तो वहाँ पर ग्रीन बैग रख देना, और रख दिया ग्रीन बैग इसने जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे स्कूटीज भी रेंट पे मिल रही थी बट कल बारिश हो रही थी, वैसे हम लोगों ने रेंट पे ली नहीं और कहीं घूम भी नहीं पाए। तो ये रही भाई हमारी कैब। एयरपोर्ट काफी छोटा सा है यार, लंकावी का इतना ज्यादा बड़ा है नहीं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। मतलब सिर्फ एक डिपार्चर है, एक सामने भाई एक अराइवल है। तो देख सकते हो आप छोटा सा नन्ना सा एयरपोर्ट है और कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से सिंगापुर लोग बस से जाना पसंद करते हैं, फ्लाइट बहुत कम लोग लेते हैं, फॉरनर्स ही लेते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी लोकल्स तो बस से जाना ही प्रेफर करते हैं। एंट्री पे भी कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई आईडी की या फिर पासपोर्ट की, सीधा अंदर ही है मुझे लग रहा है। डिपार्चर्स पे चलते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। बट यहाँ थोड़ा मॉल जैसा माहौल बना रखा है। कुआलालंपुर में भी कुछ ऐसा ही था और लंकावी में भी ऐसा ही दिख रहा है। ये रही भाई हमारी फ्लाइट सिंगापुर की 11:30 बजे, जो कि हमें पहुँचाएगी 1:10 पे। ये भाई कस्टम चेक। कस्टम चेक के नाम पे तो मजाक ही था भाई, ये सिर्फ बैग्स चेक किए, वो भी कुछ नहीं, बस इतना पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा सिंगापुर, ओके, सीधा उधर से बैग डाला और उधर से निकाला। एयर एशिया की फ्लाइट हमारी, तो वही सेम प्रोसीजर है जो दिल्ली से आते वक्त हुआ था। हमारे पास सिर्फ एक चेक इन बैगेज है जो कि है 20 kg का। तो सेम वही चेक इन बैगेज जब वापस रेडी करके चेक इन में दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद रुद्राक्ष अपना ये वाला छोटा वाला ट्रॉली एज अ कैबिन बैगेज लेके जाएगा और मैं ये वाला। और सिंगापुर से वापस दिल्ली जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ से हमारे पास दोनों के पास 7 kg कैबिन बैगेज और 20 kg चेक इन बैगेज ऑलरेडी है, जो कि इंडिगो प्रोवाइड करवाता है आपके टिकट प्राइस में, एक्स्ट्रा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। बोर्डिंग पास लेते हुए क्वेश्चन इतने पूछे थे भाई साहब, मुझे लगा यही है इमिग्रेशन, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर अलग से इमिग्रेशन बना हुआ है फॉरेन पासपोर्ट का। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब बस जिसे कहते हैं ना डोमेस्टिक बस स्टेशन, वैसा सा लग रहा है। तो फाइनली मलेशिया को बाय बाय कहते हुए यहाँ पर चेक होगा पासपोर्ट, शायद पासपोर्ट चेक करा के अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, तो लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं विद इन 10-15 मिनट्स, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ना तो बोर्डिंग पास लेने में, ना तो सिक्योरिटी चेक में, ना कस्टम्स में, और ना ही इमिग्रेशन में। और फाइनली हम अपने पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 पे, जहाँ से हमें लेनी है अपनी सिंगापुर की अगली फ्लाइट। ये कंट्री नंबर 3 होने वाला है मेरे लिए। बेसिकली फर्स्ट कंट्री मेरी रशिया थी, दूसरी मलेशिया और तीसरी सिंगापुर। बहुत ही ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट है, मतलब आप कह सकते हो एक डोमेस्टिक बस स्टेशन जितना ही समझ लो। ये हमारा डिपार्चर गेट और कितना छोटा सा, और ये 1 नंबर है, 2 नंबर उधर है, मुझे उधर बैठना था बट उधर भीड़ थी तो मैं इसलिए इधर आके बैठ गया, क्योंकि मुझे शूट भी करना था। अब सामने फ्लाइट लगी है, टेक ऑफ होने जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली अगली फ्लाइट हमारी लगेगी। अभी भी अराउंड टेक ऑफ में 1.5 घंटा बचा है, तो पता नहीं मैं 1.5 घंटे क्या करने वाला हूँ, बट तब तक मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूँ, स्पेसिफिकली जिस चीज के लिए वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो कुछ भी बताने से पहले आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग देख के आओ, जो कि मैंने शूट की थी आज से कुछ दिन पहले, जब मैं फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा था अपनी इस पूरी ट्रिप की, दिल्ली टू मलेशिया, मलेशिया टू सिंगापुर, सिंगापुर टू दिल्ली। उसके बाद बात करते हैं। रात के अराउंड 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी मैं फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा था, तो दिल्ली टू मलेशिया और सिंगापुर से वापस आने की टिकट मेरी बुक हो चुकी है। बट फिर मैं देख रहा था कुआलालंपुर से सिंगापुर की टिकट, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, तो मैंने कहा रिकॉर्ड करनी बनती है। ये देखो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, बट हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे को 21 तारीख को जाना था कुआलालंपुर से सिंगापुर, जो कि मेरा ऑलरेडी प्री प्लान था, क्योंकि मुझे 3 दिन एटलीस्ट सिंगापुर में चाहिए थे। तो मैंने सोचा था 21 तारीख की एटलीस्ट फ्लाइट मिल जाए मलेशिया से सिंगापुर डिसेंट प्राइस में। मैंने सर्च किया भाई, देखूं कितने की पड़ती है फ्लाइट, और 21 तारीख की, ये देखो 21 तारीख की फ़्लाइट पड़ रही है अराउंड 1390 रुपये की, और वो भी
दो अडल्ट्स की, अगर मैं इसको सिंगल अडल्ट कर देता हूँ और फिर से चेक करता हूँ तो भाई ये देखो 700 रुपये में आपको मिल रही है मलेशिया से सिंगापुर की टिकट। मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं रहा भाई, इससे ज़्यादा तो बस ले रही है, 1000 रुपये की बस पड़ रही थी मलेशिया से सिंगापुर, बाकी सारी डेट्स पे महंगी, बट मुझे 21 को जाना था और 21 को ही मिल रही इतनी सस्ती, सिर्फ 700 रुपये में फ्लाइट से सिंगापुर जा रहे हो आप, मतलब हद ही हो गई। ये है कोई मेलिंडो एयर और ये जा रही है कुआलालंपुर से सिंगापुर, अराउंड 1 घंटे की फ्लाइट है, अराउंड 696 की फ्लाइट की टिकट। सही है यार, बढ़िया है। हाँ जी, तो आपने सही देखा, मलेशिया से सिंगापुर की फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ 600-700 रुपये में मिल रही है। मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रहा था, मैं फाइनल पेमेंट गेटवे तक गया सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, मुझे लगा क्या पता कहीं रीडायरेक्ट कर दे या कुछ अलग हो जाए, बट सीरियसली वो टिकट उतनी ही थी, 600-700 रुपये में आप लोग मलेशिया से सिंगापुर फ्लाई कर सकते हो। रही बात मेरी, तो मैं लंकावी से वापस कुआलालंपुर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लंकावी से फ्लाइट कर ली, क्योंकि कुआलालंपुर वापस जाने का मतलब था हमें 1 दिन और वेस्ट करना, और हमारी टोटल ट्रिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9-10 दिन की है, तो वर्थ नहीं बनता था कि मैं लंकावी से वापस कुआलालंपुर जाऊँ और कुआलालंपुर से फिर सिंगापुर की फ्लाइट लूँ, क्योंकि अगर ये मैं 600-700 रुपये देख के फ्लाइट बुक करता तो मेरे को वो डायरेक्टली महंगी पड़ती, क्योंकि यहाँ से फिर कुआलालंपुर जाने में भी अराउंड ये तो 2000 रुपये लगते, तो इसीलिए मैंने लंकावी से डायरेक्टली सिंगापुर की फ्लाइट कर ली, जो कि मुझे अराउंड पड़ी है 2200-2300 रुपये में, जो कि यूजुअल फेयर आपको कभी भी मिल जाएगा मलेशिया से सिंगापुर जाने में, चाहे आप वो कुआलालंपुर से लो या फिर लंकावी से। और ये जो फ्लाइट टिकट बुकिंग की वेबसाइट मैंने आपको बताई है, ये है गूगल फ्लाइट से, आप बेसिकली हर एक साइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो और वहाँ पर आप लोगों को एक परफेक्ट आइटनरी मिल जाती है डेट्स की, अगर आप राउंड ट्रिप करते हो तो आपको किस डेट पर जाना है और किस डेट पर वापस आना है, उसके आगे पीछे डेट अगर एक दो भी कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है। तो मैंने भी सारी की सारी फ्लाइट्स अपनी गूगल फ्लाइट्स पे देख के करवाई थी, उनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी करवाई थी, कुछ वहां से मैं रिडायरेक्ट होके गया था। एक और ऑप्शन आप स्काई स्कैनर पे भी देख सकते हो, सेम यूआई उसका भी है, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हो अपनी फ्लाइट्स, और लिटरली मैंने रशिया के टाइम पे भी ये चीज नोटिस करी थी, बहुत ज्यादा फेयर डिफरेंस आ जाता है अगर आप डायरेक्टली मेक माई ट्रिप या फिर किसी भी ऐसी बुकिंग साइट से करवाते हो जो नॉर्मली आपको पता है, बट अगर आप ऐसे देख के करते हो कि हाँ अगर मैं आइटनरी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखता हूँ और आगे पीछे कर देता हूँ तो बहुत ज्यादा फेयर डिफरेंस आ जाता है, तो एक दो दिन आगे पीछे एक्स्ट्रा लेके चलना बुकिंग करते टाइम। फ्लाइट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, हमारी एयर एशिया जो कि सेम फ्लाइट थी हमारी दिल्ली से मलेशिया आने वाली, और एयर एशिया साउथ ईस्ट कंट्रीज में बेसिकली बहुत ज्यादा चलती है, और स्पेसिफिकली एयर एशिया मलेशिया भी है, एयर एशिया इंडिया भी है, तो मतलब काफी सस्ता फेयर पड़ जाता है। बट बाद में हम लोगों ने नोटिस किया कि अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज लेते हो और अगर आप बजट ट्रैवलर नहीं हो, आप अच्छा खासा सामान कैरी करना पसंद करते हो, तो एयर एशिया आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप बैगेज लेके फिर टिकट का प्राइस देखोगे तो लगभग वो सेम ही आ जाएगा। टिकट में भी देख सकते हो आप पूरी की पूरी कॉस्ट कटिंग करी हुई, जैसे कहते हैं ना, मतलब फ्लाइट की टिकट देख रहे हो बस की टिकट लग रही है। मैंने सोचा था सिंगापुर वीजा के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कैसे आप सिंगापुर वीजा अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले छोटी सी एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, हम खुद ही अपना वीजा सारा अप्लाई कर रहे थे, मतलब मलेशिया का भी सिंगापुर का भी, बट सिंगापुर में ये दिक्कत हो गई कि जब मैंने साइट विजिट करी जहाँ से सिंगापुर का वीजा आप अप्लाई करते हो, वहाँ पर जो लेटेस्ट डेट आ रही थी वो 1 मंथ बाद आ रही थी, मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मैं अप्लाई कर रहा था उस दिन 1 अगस्त था, और अगली डेट जो मतलब दिखा रहा था वो अपॉइंटमेंट की वो दिखा रहा था 1 सितंबर, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होने जाते हैं सारे के सारे, तो मुझे फिर लगा कि नहीं जा पाऊंगा मैं सिंगापुर, मेरी फ्लाइट्स भी बुक हो चुकी थी और इंडिगो और एयर एशिया से हमने बात भी कर ली थी कि रिफंड का कुछ हो जाए ताकि हम मलेशिया से कहीं और का प्लान बना सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5-6 दिन मतलब सॉरी 3-4 दिन थे। यहाँ पर रोल आता है नवंगूर भाई का, नवंगूर भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई तुम तो जा रहे थे सिंगापुर, सिंगापुर से फिर थाईलैंड का प्लान कैसे बना दिया, फिर मैंने उनको बताया कि वीजा का ये सीन हो गया, तो उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, बेसिकली एजेंट कह सकते हो आप, उन्होंने वीजा 2 दिन में लगवा दिया, मुझे पता नहीं कैसे लगवा दिया, वो कह रहे कि हो जाएगा आप टेंशन ना लो हो जाएगा, और उसमें भी 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया था, मतलब उन्होंने बोला था 5 दिन लगेंगे, और 5 दिन में भी राखी भी थी, ऊपर से सैटरडे संडे था और मंडे की हमारी फ्लाइट थी, मतलब लिटरली हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि हमारा पासपोर्ट भी गया था वेरिफिकेशन के लिए, और अगर हमारा पासपोर्ट विद इन 1 वीक मतलब 5 दिन के अंदर नहीं आता तो हम मंडे को फ्लाइट भी नहीं ले पाते मलेशिया की। हमें जो वीजा अप्लाई करने की कॉस्ट पड़ी थी वो अराउंड पड़ी थी 3500 पर पर्सन, उन भैया ने चार्ज किया था, बेसिकली वो थोड़ा ऊपर लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे, वो तो अच्छा चलो 2 दिन में वीजा मिल गया, वरना सारे के सारे पैसे और भी डूब जाते, तो हमने पैसे नहीं देखे उस टाइम पे। बाकी अगर आप खुद से वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो 2 साइट्स हैं इंडियंस के लिए, एक है मेक माई ट्रिप और दूसरा है थॉमस कुक, दोनों पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो यहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पहले भी करनी पड़ती है, यहाँ सिर्फ वीजा और टिकट से, फ्लाइट टिकट से, होटल बुकिंग से नहीं चलता है, तो आप पहले ही सारी देख लो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सिंगापुर विजिट करने की। जैसे कि अभी हमें बाहर उन्होंने बताया कि सिंगापुर अराइवल फॉर्म करके होता है, वो भी आपको भरना पड़ेगा, और अभी रुद्राक्ष भर रहा है तो वो बता रहे कि वहाँ पर ऊपर नोट में लिखा हुआ आ रहा है कि 3 दिन पहले अराइवल से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए था, बट अभी भी वो भरी रहा है, देखते हैं मैं भी भर के देखता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ क्या साइट और कहाँ से भर सकते हो आप। और एक और चीज़, सिंगापुर में कोई भी फॉरनर अलाउड नहीं है विदाउट वैक्सीनेशन, तो आपको वैक्सीनेशन कार्ड मतलब दिखाना ही पड़ेगा, वैसे तो इंडिया में भी बिना वैक्सीनेशन कार्ड के आपको फ्लाई करने नहीं देंगे, बट सिंगापुर में अराइवल के टाइम पे भी आपसे वैक्सीनेशन कार्ड मांगा जाएगा। नॉर्मल आप सिंगापुर अराइवल फॉर्म करके टाइप कर सकते हो गूगल पर, यहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाएगी सिंगापुर अराइवल फॉर्म की, और डायरेक्टली पहले लिंक पे जाके यहाँ से आप सबमिट ऑनलाइन करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो फॉरेन विजिटर। इसके बाद आपको बताना अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो, ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब हम तो ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं बट फिर भी हम इंडिविजुअली भर रहे हैं फॉर्म, यहाँ पे लिखा
लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम 5 to 7 मिनट्स और मैंडेटरी फील्ड्स आर इंडिकेटेड बाय रेड एस्ट्रिक्स। तो सारी डिटेल्स मैं भी भरता हूँ फटाफट और लेता हूँ अपना सिंगापुर अराइवल फॉर्म। चलो जी टाइम स्टार्ट हो गया बोर्डिंग का, अभी भी अनाउंसमेंट हुई है, लगभग 11:05 हो गए और 11:30 की फ्लाइट हमारी निकलते हैं। एयरपोर्ट देखो यार एकदम छोटा सा, जिसे कहते हैं ना प्लेग्राउंड सा लग रहा है और छोटे छोटे प्लेन खड़े हैं यहाँ पर, सिर्फ एक यही खड़ा है यहाँ पे बोइंग, जिससे हमें जाना है सिंगापुर। जैसा कि मैंने बताया यार कि आपको साउथ ईस्ट कंट्रीज में सबसे सस्ती फ्लाइट जो मिलेगी वो एशिया मिलेगी, तो इन्होंने हर जगह कॉस्ट कटिंग कर रखी है। छोटी सी फ्लाइट एकदम डोमेस्टिक जैसी देख ही सकते हो। दिल्ली से आते वक्त मैंने कोई भी विंडो सीट नहीं ली थी वेब चेक इन के टाइम पे, बट मुझे पता था लंकावी से सिंगापुर के लिए मुझे सिंगापुर ऊपर से देखना, तो इस वजह से मैंने स्पेशली 350 रुपये की विंडो सीट खरीदी जस्ट विंग के बगल में। और बाहर देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू है। 1 घंटा राउंड हो चुका है, अभी भी ये कह रहे हैं अराउंड आधा घंटा लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लगे पड़े इंजीनियर्स। मैंने इनसे पानी मंगाया भाई, 3 मिनट में लेटेक्स की बोतल दी है, देखना एक घूट में खत्म है। मतलब पानी तक तो एटलीस्ट देना चाहिए इनको, अगर ये खुद की तरफ से इनके डिले हो रहा तो पानी तो रखो यार, मतलब पैसेंजर्स मर जाए प्यासे। चलो भाई फाइनली सारा टेक्निकल ग्लिच रिजॉल्व हुआ और हम निकल चुके हैं अराउंड 1 घंटा 10 मिनट लेट। अब देखते हैं कितने बजे का हमारा अराइवल होता है। जैसा कि हर एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज है और हमें यहाँ पे मिल रहा है $1 सेलिंग 1.425 और बाइंग 1.357। ओके तो $1 तो मेरे पास नहीं है, इसके पास ही है $1, मैंने सारे रिंगगेट्स में कन्वर्ट करा लिए थे। और इसके जस्ट बगल में नीचे देखो ये क्या है, बैंड बजने वाली है भाई बैंड। इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी भाई साहब, मुझे लग रहा था यहाँ पर सबमिशन करना बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आईपैड लगे हुए हैं, आप इसके अंदर भर सकते हो अराइवल फॉर्म जैसे हमने वहाँ पर बैठ के अपने फ़ोन से ही भर लिया था। तो यहाँ पर अगर आके आप भूल जाते हो या अगर आप नहीं भरते हो तो डायरेक्टली यहीं पर ही आके इमिग्रेशन से जस्ट पहले अपना फॉर्म ले सकते हो, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको मेल आ जाएगा कन्फर्मेशन का और वो आगे दिखा देना आपने यहाँ पर ऑल पासपोर्ट्स। एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ आपको सिंगापुर और इंडिया में, जो जस्ट अभी नोटिस किया मैंने, मतलब रशिया में भी यही था जो इंडिया में है। रशिया में और इंडिया में होता है ना, वो अगर वहीं का सिटीजन है या फिर सपोज इंडियन सिटीजन है या रशियन सिटीजन है तो वहाँ की एयरपोर्ट पे उनकी जो क्यू है वो सबसे लंबी होती है और फॉरनर्स को जल्दी निकालते हैं, बट यहाँ सिंगापुर में देखो ऑल पासपोर्ट्स में इन्होंने सारी कैटेगरी में सारे कंट्री वालों को डाल दिया और अपने सिटीजन्स के अलग से लाइन दे रखी है, सिंगापुर सिटीजन्स के लिए ऑटोमेटेड लाइन, सीधा वो लोग सीधा बाहर निकल सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे हो अपने सिटीजन्स को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं लोग और हमारी कंट्रीज में फॉरनर्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ करते हैं। ये रहा भाई इमिग्रेशन, जस्ट इमिग्रेशन क्लियर किया है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछा और क्या सीन हुआ। जो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेयर किया था वहाँ पर, तो इसने मतलब डिक्लेयर मेरे से हो नहीं रहा था, हो गया था मतलब, बट सबमिट नहीं हो रहा था, तो मैंने सब पूछा सबमिट क्यों नहीं हो रहा, तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और ज़्यादा होशियार बन के फिर से दोबारा सबमिशन पूरा पूरा प्रोसीजर पूरा किया और गधे ने हॉस्टल का नाम डाला ही नहीं उसके अंदर, तो वही वो पूछ रहे कि वाई यू डिडंट डिक्लेयर दी हॉस्टल नेम इन द डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो उसने फिर मेरे को 5-10 मिनट खड़ा रखा, फिर क्वेश्चन पूछने लग गया और बुकिंग है कि नहीं है, फिर मेरी मतलब हॉस्टल पर बात हुई थी मेल पे 2-4 बार, मतलब ऐसे ही रिप्लाई भी आए थे उनके, तो मैंने वो दिखाया उनको, तब जाके वो माने, तो कह रहे कि बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो मैं आपको भी ये बता दूँ, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो डिक्लेरेशन फॉर्म ठीक से भरो एकदम और डेट्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रोवाइड कराओ, क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन अभी तक का मेरे को सबसे टफेस्ट इमिग्रेशन लगा है। रशिया में भी इतने सवाल जवाब नहीं किए थे जितने सिंगापुर में कर लिए। एयर एशिया फ्लाइट एक्सपीरियंस बताऊँ यार, तो सस्ती तो थी फ्लाइट नो डाउट, बट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया मेरे को, मतलब एकदम बिल्कुल भी लेग स्पेस नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट के नाम पर एकदम ही बकवास जिसे कहते हैं ना, डोमेस्टिक फ्लाइट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इंडिया की, इंडिगो में चले जाओ आप, स्पाइस जेट में चले जाओ, जो भी है, बट इंटरनेशनल में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट थोड़ा सा तो लेग रूम बनता है। इन्होंने हर जगह इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी है पैसा बचाने के चक्कर में, तभी जाके ये इतना सस्ता फेयर दे पा रहे हैं, बट सस्ता ही फेयर का है बात क्या है, 7 kg देते हैं बस कैबिन बैगेज में और जो चेक इन बैगेज है उसमें वही खरीदना पड़ता है 3,000 अराउंड का, तो लगभग वही टिकट प्राइस पड़ जाता है। बट ये जो मलेशिया से सिंगापुर का प्राइस था जो कि था खाली 600 रुपये का, वो तो सच में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। अभी हम गए थे सिम लेने, तो वहाँ पर हमने बताया कि वहाँ सिम थोड़ी महंगी पड़ रही थी और मैंने वीडियोज़ में भी देखा था और अनमोल ने मुझे यही बोला था कि सिम एयरपोर्ट से मत लेना, सिम वहाँ पर महंगी है, तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो भाई सिटी में जाके ही सिम लो, वहाँ पर सस्ती पड़ेगी आपको 3 दिन की। ये अभी मैंने कन्फर्म किया उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि एक फ्लोर ऊपर जाना है, वहाँ से स्काई कैब मिलेगी जो कि आपको लेके जाएगी टर्मिनल 3 तक। जो मुझे पता था पहले बस चलती थी टर्मिनल 2 तक की, जहाँ से आपको MRT मिलती थी, बट अब टर्मिनल 3 पे मिलती है MRT,
और वहाँ तक के लिए आपको स्काई कैब मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ बढ़िया हो गई, मतलब हम लंकावी में स्काई कैब के वजह नहीं ले पाए, बट यहाँ पर मिलेगी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 3 नियर रो 1 डिपार्चर। मैंने उनसे पहले कंफर्म कर लिया भाई फीस या फिर कोई टिकट तो नहीं लगेगी ना, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जिस भी टर्मिनल पे हो, टर्मिनल 3 आना पड़ेगा आप लोगों को MRT लेने के लिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो। और मैं अभी बताता हूँ कहाँ से मिलेगी, मुझे खुद नहीं पता। वैसे देखा जाए तो स्काई ट्रेन कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा कुछ। और फॉरेन कंट्रीज में यार पता है गूगल मैप तो आपकी हेल्प करता ही करता है, बाकी आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, लोग कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, इंडियंस हो या फिर कोई और भी कंट्री का अगर आप हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, सब लोग हेल्प कर देते हैं, सब बता देते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंट्री में भी कोई आएगा आपसे कुछ पूछेगा तो आप भी बता ही दोगे ऑफिस से, तो इसलिए सबसे पूछ पूछ के बढ़िया एकदम अनजान बन के चलते जाओ। यहाँ पर मतलब प्रॉपर एक सेक्शन है फास्ट चेक इन का जो सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर सब लोग फास्ट चेक इन कर रहे हैं अपना। बढ़िया है यार, ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में भी। इंडियंस को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती होगी ये चीज़ देख के। देख रहे हो कैलाश पर्वत और अंजपार दोनों इंडियन रेस्टोरेंट अगल बगल, मस्त खाना खाएंगे, अब पैक करा के भी ले जाएंगे, वैसे यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। चलो भाई एयरपोर्ट पे मिल गया कैलाश पर्वत और अंजपार, और ये बोल रहे हैं आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो अगल बगल, ये बेसिकली ओपन रेस्टोरेंट है, इधर कैलाश पर्वत है उधर अंजपार है, बट ये कह रहे हैं आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो उधर से इधर से। तो दोनों मेन्यू मंगा लिए हैं रेट का थोड़ा कंपैरिजन करके, और बढ़िया सा खाना खाते हैं। मुझे लगा था रेट तो ठीक ही होगा, मतलब जैसा हर जगह वैसा ही होगा, बट कुआलालंपुर में जितने रिंगेट्स की चीज़ें थी ना, यहाँ पर नंबर तो सेम है बट यहाँ डॉलर में है। जैसे देखो पनीर बटर मसाला वहाँ 16 रिंगेट्स का था, यहाँ 15 डॉलर है भाई साहब। तो ये हज़ार 1200 रुपये की एक डिश है। कुआलालंपुर से तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है यहाँ पे सब कुछ, बट फिर भी हमने एक मंगा लिया अंजपार वेज मील थाली और एक मंगा लिया वेज बिरयानी। तो टोटल बिल जो आया है वो आया हमारा $30.60, अराउंड वही मान लो 1900 रुपये के आसपास का बिल आया। चलो भाई आ गया है, ये रही हमारी वेज बिरयानी। कैन आई गेट अ स्पून? ओह थैंक्स। ठीक है ये आ गई हमारी वेज बिरयानी और ये आ गई थाली। यार थाली तो बढ़िया लग रही देखने में। चलो जी खाना वाना हो गया, अब चलते हैं MRT ढूंढते हैं कहाँ है फटाफट से, और कार्ड वगैरह बनवाते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं अपने हॉस्टल। मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियो को ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप मतलब MRT का कार्ड बनवा सकते हो, कहाँ पर आपको जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब सबसे जो मेन चीज़ होने वाली है अगली वीडियो के लिए वो होगा कैप्सूल होटल, जो कि अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल का कॉन्टेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।